नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधी। जी हाँ दोस्तों, आँखों पर अक्सर सफ़ेद पपड़ी जम जाती है बहुत से लोगों के ठंडियों में। ये सफ़ेद पपड़ी दोस्तों भागने का नाम ही नहीं लेती। आप चाहे जितनी दवाएं करा लें, कितने भी आई स्पेशलिस्ट से मिल जाएं, तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन वाली जो क्रीम आती है उनका प्रयोग कर लें, दुनिया भर की दवाएं खा लें, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। जब तक आप दवा खाते हैं तब तक ये सही रहता है, कुछ दिन बाद ये फिर से निकल आता है। तो दोस्तों, इसका क्या इलाज किया जाए जिससे कि ये दोबारा ना निकले, दोस्तों सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको लेना होगा जैतून तेल। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में फिगारो जैतून ऑयल मिलता है, आप किसी भी और ब्रांड का भी ले सकते हैं, लेकिन ये तेल काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी बेहतर भी है, शुद्ध है। तो आप जैतून का ये तेल परचेज कर ले मार्केट में। इस जैतून तेल को आप एक चम्मच लीजिए और इसमें थोड़ा सा कुछ बूंदें, 4 से 5 बूंदें आप कोकोनट ऑयल मिला दीजिए। वो कोकोनट ऑयल कोई भी हो सकता है, सामान्य सा शुद्ध होना चाहिए। इसको दोस्तों मिलाने के बाद आप इसे कटोरी में थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि इसकी नमी समाप्त हो जाए। अब दोस्तों, इसको रात में सोने के पूर्व आप हल्के हल्के अपनी पलकों पर मसाज करिए जहाँ पर पपड़ी जम गई है, ठीक है। मसाज दोस्तों करिए लगातार, कम से कम आप 2 से 3 सप्ताह करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपकी आंखों पर जमने वाली सफ़ेद पपड़ी कभी नहीं आएगी, यकीन मानिए। बस आपको ये जैतून तेल और ये कोकोनट ऑयल का मसाज करना होगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों शेयर करिए इसको व्हाट्सएप पर ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों धन्यवाद।